सुषमा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये लिखती है कि हालांकि इस केस को सीबीआई को दिया गया है, फिर भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। आज उच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उस चिट्ठी के बेसिस पर, उसके लिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और इस केस को जितने भी एफआईआर्स, चाहे बलात्कार की घटना से जुड़े हों, चाहे इस दुर्घटना या कार एक्सीडेंट से जुड़े हो, उनको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया है। इसके अलावा जो भी दिल्ली में जज साहब इस मामले को सुनेंगे, उनको 45 दिन के अंदर इस मामले की सुनवाई को ख़त्म करनी है। इसके अलावा सीआरपीएफ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो विक्टिम है और विक्टिम के परिवार के सदस्य हैं, उनको सिक्योरिटी देना है। और सीबीआई को ये स्ट्रिक्टली कह दिया है कि 7 दिन के अंदर जो एफआईआर एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करना है। और कुछ अगर ऐसे कारण हो जिससे ये नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर उसको करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में, इस मुकदमे में आज इंटरवीन नहीं करती, तो इस परिवार का क्या हाल होता। सबसे ज़्यादा दुखद और शर्मजनक बात यह है कि 2 साल से सिंगर जो इसमें आरोपी हैं, सिंगर के परिवार के और सदस्य भी इसमें आरोपी हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान के गृह मंत्री ने 2 साल तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और ये और भी दुखद और शर्मजनक घटना है कि साक्षी महाराज लोकसभा के चुनाव के बाद एक बलात्कार के आरोप में जो जेल में बंद है, उनसे मुलाकात करने जाते हैं। पर सिंगर जैसे बदनाम नेता के साथ अमित शाह भी 2 साल खड़े रहे, आदित्यनाथ जी भी खड़े रहे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खड़े रहे। और झूठ पे झूठ जितनी बार मीडिया के दोस्तों ने कल परसों, उससे 2 दिन पहले एक्सीडेंट के बाद बार बार भारतीय जनता पार्टी से जब पूछा कि आप कोई कदम क्यों नहीं उठाते, वो बार बार झूठ बोले कि नहीं, हमने उनको सस्पेंड कर दिया। पर आज सुप्रीम कोर्ट की थप्पड़ की गूंज भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय तक पहुंची और सिंगर को उन्होंने अल्टीमेटली एक्सपेल किया। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के हर जज को मैं धन्यवाद कहूंगी। और 25 लाख रुपए का जो मुआवजा आदित्यनाथ जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भरने के लिए कहा है, पीड़िता के परिवार को देने के लिए कहा है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहूंगी सुप्रीम कोर्ट को।